देखिए बच्चों, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट थ्योरी में पढ़ा है। अब आप देखिए, उसका जो भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है तो उसमें सॉफ्ट आयरन, मान लीजिए सॉफ्ट आयरन है, यहाँ मैंने पाइप लिया है, मान लीजिए सॉफ्ट आयरन है और ये वायर है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ से बच्चों करंट निकल रहा है, ये नीचे बैटरी है वो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, बैटरी कनेक्टेड है, तो वो जो बैटरी है वहाँ से देखिए करंट इसके अंदर आया। तो अभी इस वीडियो से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि हमारा ये सॉफ्ट आयरन है, इसके ऊपर जो वायर वाउंड हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उसमें दो पोल जनरेट होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, ठीक है बच्चों। तो देखिए जैसे ही ये पॉजिटिव टर्मिनल, आपको पता है करंट कहाँ से फ्लो होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट, फॉर एग्जाम्पल, ये इस तरह से फ्लो होता है। तो आप देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ वायर कहाँ से जा रहा है। तो देखिए वायर कहाँ से बच्चों, यहाँ से सीधा जा रहा है इसमें, तो सीधा इसमें जा रहा है। तो आपको कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, यहाँ से देखिए डायरेक्शन, यहाँ से एकदम सही डायरेक्शन दिखेगा। ये आपको एंटी क्लॉकवाइज में करंट जाता हुआ दिख रहा है, देखिए। तो हमको केवल फेस में देखना होता है, पूरे वाइंडिंग में देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, केवल फेस मतलब एक ये और एक ये दो। तो अगर आप इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से ये करंट गया पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाके इसमें गया, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, मतलब कौन सा पोल होता है एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट होगा, नॉर्थ पोल। अब देखिए, अब हमको दूसरे एंड पर जाना होता है कॉइल के, हम दूसरे एंड पर जाएंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ से आप अगर आप देख पाएँ इस वाले में, तो देखिए यहाँ पर जो ये पूरा करंट आया, मैंने इसी को पूरा बनाया, तो आप अगर देख पाएँ इसको, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी यहाँ पर आप देखें तो ये किस तरह निकल रहा है। देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज घड़ी कैसे घूमती है हमारी वॉच, क्लॉक, उसी तरह से देखिए यहाँ रोटेशन हो रहा है। तो क्लॉकवाइज है मतलब ये कौन सा पोल जनरेट हो गया बच्चों, साउथ पोल। तो आपको समझ में आया कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में किस तरह से नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट करे जाते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग।